हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। पाइथन प्रैक्टिकल की सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके। चूंकि एग्जाम प्रैक्टिकल के होने वाले हैं, इसलिए ये सभी असाइनमेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखते हैं आज का हमारा कौन सा असाइनमेंट बाकी है जो हमें पूरा करना है। तो हमारा आज का जो असाइनमेंट रहेगा वो रहेगा 16 नंबर असाइनमेंट। इसमें क्या दिया है, राइट ए फंक्शन दैट टेक्स टू, राइट ए फंक्शन दैट टेक्स टू फाइल नेम F1 एंड F2। F1 और F2 नाम से आपको क्या लेनी है, दो फाइल नेम लेने हैं। ठीक है, फंक्शन बनाना है आपको, और कैसा फंक्शन बनाना है जिसमें आपको दो फाइल नेम लेने हैं F1 और F2। द फंक्शन शुड रीड द कंटेंट ऑफ F1। फंक्शन क्या करेगा, F1 जो आपकी फर्स्ट फाइल है उसके सभी कंटेंट को क्या करेगा, रीड करेगा। कैसे करेगा, लाइन बाय लाइन। ठीक है, एंड राइट देम ऑन टू F2, और उनको किसमें राइट करेगा, F2 नाम की जो फाइल है उसमें राइट करेगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, आपके नाइलिट ने असाइनमेंट में भी दिया है इसलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, ये पीछे के पेपर में आया हुआ भी है, तो वापस क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। तो बहुत ही ज्यादा आप इसको चाहे आप स्टार लगा लें, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसको अपन कैसे करेंगे। तो अपन चलते हैं पाइथन के इंटरप्रेटर पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो अपने को दो फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। चलिए अपन डेस्कटॉप पे दो फाइल क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने राइट क्लिक किया डेस्कटॉप के खाली स्थान पर और न्यू में गया, और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में फर्स्ट फाइल का नाम हमने रख लिया F1। ठीक है, अब एक फाइल और बनाने के लिए हम वापस राइट क्लिक करेंगे ब्लैंक स्पेस पर, और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे और F2 दूसरी फाइल का नाम रख लिया। अब हमें कहा गया है कि फर्स्ट फाइल के कंटेंट को आपको सेकंड फाइल के अंदर क्या करना है, राइट करना है। तो फर्स्ट फाइल में अपन कुछ कंटेंट लिख देते हैं, जैसे लिखा दिस इज पीसीसी अकेडमी एंड यू आर वॉचिंग पीसीसी अकेडमी यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो F1 में हमने ये कंटेंट यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इसका बनाते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन फर्स्ट फाइल पहले इनपुट करेंगे फाइल का नाम। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, फर्स्ट फाइल इक्वल टू क्या करवाना है, इनपुट करवाना है, और क्या, एंटर द नेम ऑफ फर्स्ट फाइल। फर्स्ट फाइल का नाम आप क्या करें, एंटर करें। ऐसे ही सेकंड फाइल का नाम अपन क्या करवा लेते हैं, इनपुट करवा लेते हैं, एंटर द नेम ऑफ सेकंड फाइल। ठीक है, ये अपन ने, अब चूंकि ये प्रोग्राम हमें किससे बनाना है, फंक्शन से बनाना है, तो माना मैंने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन अपन पाइथन में डेफ कीवर्ड की सहायता से बनाते हैं। माई फन नाम से मैंने फंक्शन बनाया। इसमें चूंकि अपने को दो फाइल लेनी है, तो दो फाइल माई फन नाम के फंक्शन में अपन ने पास क्या कर दिया, फर्स्ट फाइल कॉमा सेकेंड फाइल। ये हमने दो आर्ग्यूमेंट इसमें से पास कर दिए, जो कि ये फंक्शन यहाँ पे उनको स्वीकार करेगा, फर्स्ट फाइल कॉमा सेकेंड फाइल। ठीक है, इतना अपने क्लियर हो चुका है। अब अपन क्या करेंगे, एक फाइल हैंडलर का यूज करेंगे, जो कि हमारा है F1। F1 जो फाइल है उसको क्या करना है, ओपन। क्योंकि अपने को उसके सारे कंटेंट, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था, रीड लाइन बाय लाइन, F1 लाइन बाय लाइन, अपने को उसके कंटेंट क्या करने हैं, रीड करने हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फाइल के कंटेंट अपने को क्या करने हैं, रीड करने हैं। तो अपन कौन से मोड में इसको ओपन करेंगे, आर मोड में ओपन करेंगे। फिर F2 फाइल को भी अपन क्या करेंगे, ओपन करेंगे। किस फाइल को, सेकंड फाइल को अपन ओपन करेंगे, कौन से मोड में,
अपेंड मोड में। अपेंड मोड में इसलिए करेंगे कि अगर उसमें कुछ कंटेंट पहले से हो तो उसके आगे बगैर इरेज हुए ये कंटेंट उसमें क्या हो जाए, ऐड हो जाए। फिर अपन क्या करेंगे, F2 नाम का जो हैंडलर है उसके अंदर क्या करेंगे, उसका यूज करते हुए राइट करेंगे किसके कंटेंट, F1 जो हैंडलर है जो जिस फाइल को हैंडल कर रहा है उसके सभी कंटेंट को क्या करके, रीड करके। तो इससे क्या हुआ स्टूडेंट, इससे देखिए क्या होगा, इससे क्या हुआ, सबसे पहले जो प्रोग्राम चलेगा तो कंट्रोल आएगा यहां पर, तो सबसे पहले अपने से पूछा जाएगा एंटर द नेम ऑफ फर्स्ट फाइल, तो हमने क्या लिखा F1, ठीक है। उसके बाद में अपने से पूछा जाएगा एंटर द नेम ऑफ सेकेंड फाइल, तो हमने लिखा F2, ठीक है। उसके बाद में यहां से F1 पास होगा और यहां से F2 यहां पर पास हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, F1 जो यहां पे पास हुआ उसको ओपन किया फर्स्ट फाइल को, कौन से मोड में, रीड मोड में, ताकि उसके सभी जो कंटेंट है वो लाइन बाय लाइन क्या किए जाएं, रीड किए जाएं। फिर हमने सेकेंड फाइल को खोला A+ मोड में, अगर उसमें से पहले से कुछ कंटेंट लिखा हुआ हो तो उसके आगे से ही नया कंटेंट क्या हो जाए, रीड। अब हमें क्या कहा गया, F1 जिस फाइल को हैंडल कर रहा है, फर्स्ट फाइल यानी कि F1 को हैंडल कर रहा है, उसके सभी कंटेंट को क्या करना है, रीड। तो हमने फंक्शन कौन सा लगाया, रीड फंक्शन लगाया, और उस कंटेंट को F2 जिसको हैंडल कर रहा है वो उसके अंदर, मतलब F2 किसको, सेकेंड फाइल को कर रहा है, उसके अंदर उस कंटेंट को क्या कर देंगे अपन, राइट कर देंगे। तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम का जो फ्लो है वो चलेगा। चलिए इसको करते हैं रन। अभी सेकेंड फाइल में अपना कुछ नहीं था, ब्लैंक थी। एंटर फर्स्ट फाइल F1 डॉट क्या है, TXT। F2 डॉट क्या है, TXT। तो यहां पे देखिए कोई प्रकार की कोई एरर नहीं आई है, तो इसलिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। चलिए चलकर देखते हैं F2 के अंदर F1 का कंटेंट आ चुका है या नहीं आया है। तो F1 के अंदर ये था, दिस इज PCC अकेडमी एंड यू आर वॉचिंग PCC अकेडमी यूट्यूब चैनल। अब आप सेकेंड फाइल को देखिए, देखिए इसका सभी कंटेंट रीड हुआ लाइन बाय लाइन, और इसके अंदर क्या हो चुका है, राइट हो चुका है। तो इस प्रकार से हम फंक्शन का यूज करके भी फाइल, एक फाइल के कंटेंट को दूसरी फाइल के अंदर क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।